नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल DOP एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज का जो वीडियो है उसमें 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इनमें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं, चाहे आपकी MTS का एग्जाम हो या पोस्टमैन का हो या PA का। इन 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपको कम से कम आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों, हमारे GK का पार्ट पूरा हो चुका है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों की क्लासें पूरी हो चुकी है, ताकि आपके दोस्तों उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। अब हम जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं वो सभी सोल्व करेंगे। जैसे बुक एंड राइटर, ये टॉपिक दोस्तों मैंने आपको करा दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके पक्का आएगा कि इस बुक का राइटर कौन है। और दोस्तों, जैसे कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। छोटा, बड़ा, करंट में कौन क्या है, इन सबकी क्लासें दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई। ए है 1766 लॉर्ड क्लाइव द्वारा, बी है 1767 वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, सी है 1769 लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी है 1770 माउंटबेटन द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 1766 लॉर्ड क्लाइव द्वारा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रेलवे डाक सेवा RMS रेलवे मेल सर्विस, दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है। ए 1863 में, बी 1854 में, सी है 1865 में और डी ऑप्शन है 1866। तो आपका ए ऑप्शन सी है, 1863 में RMS की शुरुआत हुई। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन कब किया गया। और दोस्तों, कहां से कहां तक किया गया था, इलाहाबाद से नैनी तक। ए ऑप्शन 1911 में, बी 1912 में, सी ऑप्शन है 1913 में और डी ऑप्शन है 1914 में। तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है, 1911 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों, हमारे जो अभी JDC पोस्टमैन का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, जो पांचवा क्वेश्चन है, RPLA की शुरुआत कब हुई। कब हुई दोस्तों, ए 1995, बी 1996, सी 1997, डी 1998। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 1995। तो आपके इस बार PLI की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो आपके चौथा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, PLI की शुरुआत कब हुई, ए 1989, बी 1985, सी 1984 और डी है 1987। तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है, 1984 में PLI की शुरुआत हुई और RPLI की कब हुई, 1995 में। दोस्तों, PLI RPLI से आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैक्सिमम PLI कितने रुपए तक कर सकते हैं, जैसे 50 लाख रुपए तक कर सकते हैं, मिनिमम कितने की कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आने एक नए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए दोस्तों, JDS MTS का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन पोस्टमैन या PA के एग्जाम में एक नया क्वेश्चन तो आ ही सकता है। छठा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय डाकघर दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 11 अक्टूबर, सी है 12 अक्टूबर, डी है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय डाकघर दिवस, ये आपको मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। फिर सातवां क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ए 10 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर, डी 12 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, बी ऑप्शन, 9 अक्टूबर को। आठवां क्वेश्चन है, विश्व डाक सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच, बी ऑप्शन है 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच, सी ऑप्शन दोस्तों 9 नवंबर से 14 नवंबर तक, डी है 10 नवंबर से 17 नवंबर। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में डाकघर का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ए बर्न, बी जिनेवा, सी ब्रिटेन, डी वाशिंगटन। तो आपका ए ऑप्शन सही है, बर्न स्थित है। आपके पी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। दसवां क्वेश्चन है, भारत में डाकघर का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी दिल्ली। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके पोस्टमैन या MTS एग्जाम में आ सकता है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। IPPB की शुरुआत कब हुई दोस्तों। ए 2 सितंबर 2018, बी 1 सितंबर 2018, सी 3 सितंबर 2018, डी 4 सितंबर 2018। दोस्तों, IPPB से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही दोस्तों, चाहे आपका MTS का एग्जाम हो या पोस्टमैन का हो या PA का हो। तो दोस्तों, इसमें
जैसे दोस्तों आईपीपी संबंधित शुरुआत कब हुई, किसने की, अब इसके सीईओ कौन है, ये सब आपके दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम सोल्व कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक आईपीपी संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए। इसका ए ऑप्शन है 2 सितंबर 2018 को, बी 1 सितंबर 2018 को, सी 3 सितंबर 2018 को, डी 4 सितंबर 2018 को। तो दोस्तों आईपीपी की शुरुआत कब हुई, 1 सितंबर 2018 को, किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने। 12 क्वेश्चन है, आईपीपीबी के सीईओ कौन है दोस्तों, ए रवि कुमार प्रसाद, बी अरुंधति घोष, सी सुरेश सेट्टी, डी प्रदीप कुमार। तो आपका सी ऑप्शन सी है, सुरेश सेट्टी वर्तमान में आईपीपीबी के सीईओ है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 क्वेश्चन है, आईपीपीबी का विस्तारित रूप क्या, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपके एग्जाम में आया था पोस्टमैन में, दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ए है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, आईपीपी संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। फिर कह रहा हूँ मैं, 14 क्वेश्चन दोस्तों, सुकन्या खाते की शुरुआत कब हुई, कब हुई दोस्तों, ए है 22 जनवरी 2015 को, बी है 23 जनवरी 2015 को, सी है 24 जनवरी 2015 को, डी है 25 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों सुकन्या से संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है, सुकन्या में अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, शुरुआत कब हुई, कितनी बच्चों तक खाता खोला जा सकता है, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे सब सभी खातों के बारे में, किसमें क्या इंटरेस्ट रेट है, कब तक खोला जा सकता है, क्या समय है, सब दोस्तों हम उस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों 14 का ऑप्शन कौन सा सही है, ए 22 जनवरी 2015। 15वां और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, डाकघर की स्थापना कब हुई, जैसे आरएमएस की कब हुई थी, 1863 में। तो दोस्तों हमारे डाकघर की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1854, बी 2 अक्टूबर 1855, सी है 3 अक्टूबर 1856, डी है 4 अक्टूबर 1857। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, 1854। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।